हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। और आज का टॉपिक हमारा है सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लास 11th का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस सीरीज। और आपने एक टर्म सुनी होगी, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन में, सीक्वेंस में, सीरीज में क्या डिफरेंस है? तो सीक्वेंस तो वैसा ही है जैसा आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, और जैसा आप इंग्लिश में समझते हैं सीक्वेंस वो है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, ये तीन टर्म लिख दी मैंने। तो इसके आगे की जो टर्म है वो डिसाइड है, आपके दिमाग में डिसाइडेड है कि वो 4 होगी, उसके बाद 5 होगी। अगर ऐसा लिख दिया मैंने 1/2, 2/3, 3/4, तो अगली टर्म क्या होगी इसकी? 4/5। और आगे की टर्म होगी इसकी 5/6, लाइकवाइज। तो ये एक सीक्वेंस है। जैसे एज भी हमारी सीक्वेंस है। आप पहले 0 ईयर के होते हैं, फिर 1 ईयर के होते हैं, 2 ईयर्स के होते हैं, फिर 3 के होते हैं, एंड सो ऑन। ये जो एज है ये भी क्या होती है? ये भी एक सीक्वेंस होती है। तो सीक्वेंस बेसिकली, अगर मैथमेटिकली इसको डिफाइन करेंगे, तो सीक्वेंस इज अ मैपिंग, सीक्वेंस इज अ मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। नेचुरल से रियल में एक मैपिंग है जो सीक्वेंस है। कैसी मैपिंग है? तो जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो जब आप F1 रखेंगे, F1 क्या होगा आपका? 1 स्क्वायर। F2 क्या होगा आपका? 2 स्क्वायर। F3 क्या होगा? F3 होगा 3 स्क्वायर। तो ये एक सीक्वेंस बन गया। किसका सीक्वेंस बन गया? जैसा इसमें लिखा था वैसा ये एक सीक्वेंस बन गया। अगर इनके बीच में सीक्वेंस और प्रोग्रेशन सेम सेम वर्ड है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो है, जैसे एपी है, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये वाला जो देखेंगे ना आप, ये वाला सीक्वेंस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इनके बीच का डिफरेंस देखिए आप कितना इनके बीच का डिफरेंस है। इनके बीच का डिफरेंस है 3। 2 स्क्वायर 4, ये 9 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या सेम है? नहीं, इनके बीच में डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये एक सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है? जो अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इसी को आप पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलर सीक्वेंसेस हैं उनको प्रोग्रेशन भी कहते हैं। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन अपने कोर्स में नहीं है, पर जो बच्चे सीए की तैयारी करेंगे, जो बच्चे जेई की तैयारी करेंगे, जो बच्चे क्लैट की तैयारी करेंगे, जो आईपीएम की तैयारी कर रहे होंगे, उनको एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना होगी। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस बेसिकली इट इज़ अ मैपिंग, इट इज़ अ फंक्शन। अगर आपने फंक्शन नहीं देखा हो तो फंक्शन का वीडियो मेरा जरूर देखिए। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन पे भी मेरा डिस्कशन है, लेक्चर्स हैं, देखिएगा आप। तो एफ नेचुरल नंबर से कहाँ पे जाते हैं हम? रियल नंबर की तरफ जाते हैं। और उसके लिए आपको दिया हुआ होता है, जैसे इसमें आपने देखा एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। आज का जो टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, इस पे हमने एनसीईआरटी को फोकस किया है। तो एनसीईआरटी की अगर आप एक्सरसाइज देखेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है आपकी 9.1 में जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, और आपको मैं बता देता हूं ताकि आप उसको समझ और अच्छे से सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस डिनोटेड बाय ए एन इज इक्वल टू, क्या दिया है आपको? एन इंटू एन प्लस टू। इसकी आपको फर्स्ट 5 टर्म्स लिखना है, एन इंटू एन प्लस टू। तो जैसे मैंने ये लिखी है F1, F2, F3, ऐसे ही हमको सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स कैसे लिखेंगे आप? तो बिल्कुल सरल सा काम है, आपको बहुत आसान लगेगा, आपको आता भी होगा, और अगर आता है तो आप स्किप करके जल्दी से आगे का देख लें। A1, N की जगह 2 रख देंगे तो आपको वैल्यू अगली मिल जाएगी।
एन की जगह थ्री रखेंगे तो आपको ए थ्री मिल जाएगा। आपको कहाँ तक निकालना है, फर्स्ट फाइव टर्म्स निकालनी है, तो ये तीन टर्म निकल गई है, थ्री इंटू थ्री प्लस टू ए फोर, फोर इंटू फोर प्लस ए वन, वन प्लस टू है सॉरी, फोर प्लस टू ए फाइव, क्या होगा ए फाइव होगा फाइव इंटू फाइव प्लस टू, तो ये आ गया आपके पास थ्री, ये आ गया फोर टू जा एट, ये आ गया फाइव थ्री जा फिफ्टीन, ये आ गया आपके पास सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, और ये आ गया आपके पास फाइव प्लस टू सेवन फाइव जा थर्टी फाइव। तो फर्स्ट फाइव टर्म्स निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, एन की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव। तो इस सीक्वेंस में इसकी फर्स्ट फाइव टर्म्स निकालने के लिए आपको एन की वैल्यूज क्या क्या रखना पड़ी, वन टू थ्री फोर फाइव रखना पड़ी। तो आपको फर्स्ट फाइव टर्म्स सीक्वेंस की मिल गई। सीक्वेंस का एक रूल होता है, जो ये रूल है ये लिखा हुआ है इसमें कि रूल क्या होगा, रूल लिखा है इसमें ए एन की वैल्यू एन इंटू एन प्लस टू है, तो उसमें एन की जगह वन रखेंगे फर्स्ट टर्म, टू रखेंगे सेकेंड। ऐसे ही आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे आपको इसका क्वेश्चन नंबर वन टू सिक्स ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें आपको वन टू थ्री फोर फाइव रखना है, जो इसका टेंथ क्वेश्चन है उसमें ए एन की वैल्यू दी हुई है, जो आपका इसका इस बुक का टेंथ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपकी 9.1। फिर हम एक्सरसाइज 9.2 पे आएंगे, ए एन की वैल्यू दी है एन एन माइनस टू अपॉन एन प्लस थ्री, तो और ए ट्वेंटी निकालना है, ए ट्वेंटी कैसे निकालेंगे, तो एन की जगह ट्वेंटी रख देंगे तो ए ट्वेंटी आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे ये ट्वेंटीएथ टर्म है। व्हाट इज दिस, दिस इज ट्वेंटीएथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ट्वेंटीएथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस कौन सा है, एपी है क्या, जीपी है क्या, नहीं इसको बारे में आपको नई जानकारी है, इसके बारे में आप ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करें, केवल आप इसकी वैल्यू निकाल दें, 20 इंटू एट ये आ जाएगा 18, 360 डिवाइडेड बाय 23, 23 मालूम आपको प्राइम नंबर है, किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो ये दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसी का क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, जो फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का, ये जैसे टेंथ था, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन काफ़ी सरल होते हैं, केवल वैल्यू रखना होती है और आपके आंसर निकल जाते हैं। अगली एक्सरसाइज में हम आपसे डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस के ऊपर। तो जो फिबोनाची सीक्वेंस है इसमें आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए वन की वैल्यू ए टू की वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है, ए वन ए टू इक्वल टू दिया हुआ है वन, ए एन की वैल्यू दी हुई है आपको ए एन माइनस वन प्लस, ए एन की वैल्यू दी है ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, और एक कंडीशन भी है कि एन शुड बी व्हाट, तो एन ग्रेटर देन टू ये दिया हुआ है आपको। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको ए एन प्लस वन अपॉन ए एन फॉर एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर एंड फाइव, एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव रखना है और ये फाइंड करना है, और आपको कंडीशंस ये दी हुई है। तो दोस्तों कंडीशन दी हुई है, उनके बेसिस पे अगर आप चलेंगे, ए वन की जगह क्या, एन की जगह जब आप वन सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वन टू ए वन, तो ए टू अपॉन ए वन, तो ए टू अपॉन ए वन की वैल्यू इससे निकल जाएगी वन अपॉन वन, पर प्रॉब्लम कब आएगी जब एन की वैल्यू टू डालेंगे, तो टू प्लस वन ए थ्री हो जाएगा। अब हमारे पास ए वन है ए टू है पर ए थ्री नहीं है, तो ए थ्री निकालने के लिए हम क्या करें, ए थ्री निकालने के लिए ध्यान से देखें, एन ग्रेटर देन क्या लिखा है इसमें, टू लिखा है, तो एन ग्रेटर देन टू है तो एन की वैल्यू टू से बड़ी इसमें रख सकते हैं, तो देखिए इसके अंदर ए ए थ्री कैसे निकलेगा, तो वी हैव ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। अब एन की वैल्यू ग्रेटर देन टू है तो आप एन की वैल्यू क्या ले सकते हो, एन थ्री ले सकते हो, फोर ले सकते हो, फाइव ले सकते हो, सिक्स ले सकते हो, कहाँ तक लगेगा, आप क्या रखेंगे इसमें
फाइव रखेंगे तो ये हो जाएगा फाइव प्लस वन, फाइव प्लस वन कितना होता है सिक्स, तो आपको ए सिक्स तक ही निकालना है। तो ए थ्री कितना होगा, ए थ्री हो जाएगा आपका ए थ्री माइनस वन, ए थ्री माइनस टू, ए थ्री माइनस वन हो जाएगा ए टू प्लस ए वन, ए टू प्लस ए वन, ए टू और ए वन की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको देख लीजिए आप, ए टू और ए वन की वैल्यू है वन प्लस वन, ये हो गई वैल्यू आपकी टू। अब आपको अगली टर्म निकालना है ए फोर, ए फोर के लिए एन की जगह क्या डालेंगे यहाँ पे फोर, तो ये हो जाएगा फोर माइनस वन, फोर माइनस वन थ्री, फोर माइनस टू टू, ए थ्री प्लस ए टू, ए थ्री का वैल्यू आपके पास आ चुका है, क्या है ए थ्री का वैल्यू टू, ए टू का वैल्यू कितना है वन, तो ये आ जाएगा आपके पास टू प्लस वन कितना हो गया थ्री। ए फाइव, एन की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दीजिए आप, एन की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे आप, सॉरी एन की जगह सब्सटीट्यूट क्या करना है आपको फाइव, तो ये हो जाएगा आपका फाइव, यहाँ हो जाएगा फाइव माइनस वन फोर, और ये हो जाएगा फाइव माइनस टू थ्री। ए फोर की वैल्यू कितनी है थ्री, ए थ्री की वैल्यू कितनी है आप ऊपर देख लें टू, तो ये थ्री प्लस टू कितना हो गया आपके पास फाइव। ए सिक्स क्या है, ए सिक्स के लिए इनकी जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे सिक्स, तो ये हो जाएगा ए सिक्स माइनस वन, ए फाइव सिक्स माइनस टू फोर, ए फोर, ए फाइव प्लस ए फोर, ए फाइव क्या चीज है, ए फाइव है फाइव, और ए फोर है आपके पास थ्री, फाइव प्लस थ्री, फाइव प्लस थ्री कितना हो जाएगा आपके पास, फाइव प्लस थ्री आपके पास हो जाएगा दोस्तों एट। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, ध्यान से देखें, n इक्वल टू क्या रखना है इसमें, ध्यान से देखें, n इज इक्वल टू वन रखना है इसमें, किसमें, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन में, n की जगह क्या रखना है सबसे पहले वन, तो n की जगह जब वन रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा ए टू अपॉन ए वन, ए टू अपॉन ए वन की वैल्यू आप वहां से उठा लें, ए टू की वैल्यू है वन और ए वन की वैल्यू है वन, तो वन अपॉन वन कितना हो गया वन। अब एन की जगह क्या रखेंगे आप टू, अब एन की जगह रख देंगे आप टू, तो टू रखने से हो जाएगा ए थ्री अपॉन ए टू, तो ए थ्री की वैल्यू देख लीजिए, ए थ्री की वैल्यू है टू, ए टू की वैल्यू है वन, तो ये आ गया आपका आंसर टू। एन की जगह क्या रखना है आपको थ्री रखना है, थ्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री रखेंगे तो थ्री प्लस वन फोर, ए फोर अपॉन ए थ्री, ए फोर का वैल्यू कितना है आपके पास फाइव, ए थ्री का वैल्यू कितना है आपके पास, ए थ्री का वैल्यू, ए फोर का वैल्यू आपके पास थ्री है, ए फोर का थ्री है और ए थ्री का कितना है टू है, तो ये हो जाएगा आपका थ्री बाय टू। अब एन की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना है आपको फोर, तो फोर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा ए फाइव अपॉन ए फोर, ए फाइव अपॉन ए फोर, ए फाइव की वैल्यू देख लीजिए, ए फाइव की वैल्यू कितनी है आपकी फाइव है, ए फोर की वैल्यू कितनी है आपकी, ए फोर की वैल्यू थ्री है, और एन की जगह जब आप क्या रख देंगे फाइव रख देंगे तो ये बन जाएगा आपका ए सिक्स अपॉन ए फाइव। ए सिक्स क्या चीज है, तो ए सिक्स है आपका एट और ये है फाइव। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस जो हमने देखे, आप बड़े आसानी से सिंप्लीफाई होते हैं, बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इनको, और ये था बेसिक जो सीक्वेंस का बेसिक था। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में वो हम उसमें आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सरसाइज होगी वो 9.2। तब तक आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, विश यू ऑल द बेस्ट।